सबसे पहले हेलो हाय ओके एंड फॉर अ पेशेंट एज अ पेशेंट मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि ये टमी टक का जो ट्रीटमेंट है वो किस उम्र के लोग के लिए है, यानी कि यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पर्सन। सो टमी टक इज अ प्रोसीजर एज वी नो कि भाई उसके अंदर एक्स्ट्रा स्किन जो होती है निकाली जाती है, फैट निकाला जाता है, प्लस मसल की टाइटनिंग होती है ना। सो टमी टक इन जनरल हम कर सकते हैं, आप कह दीजिए 18 साल के बाद, जैसे बॉडी मैच्योर हो जाती है इंसान पूरा कंसेंट देने लायक। एंड द लेटेस्ट आई वुड से दैट आई हैव पर्सनल ऑपरेटेड ऑन 68 ईयर और 69 ईयर ओल्ड, 70 ईयर्स तक। बेसिकली क्राइटेरिया इज द फिटनेस। Having said that, tummy tuck एक ऐसा operation, हमें ये भी समझना होता है कि अगर patient is planning on a child, then we say that आप बच्चा होने के बाद करिए, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ये होता है कि obviously जो आप tightening करते हैं, muscle tightening करते हैं tummy tuck जैसे procedure में और वो सारी चीजें, वो obviously आपको दोबारा शायद करनी पड़ सकती है pregnancy के बाद। So I would say that 18 to 70 years. एंड दूसरा क्वेश्चन ये है मेरी, जैसे कि किसी पेशेंट का सीजरियन हुआ हो सी सेशन के बाद, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या रिकमेंड करोगे कि वो टमी टक कर सकते हैं, या उसमें कितना टाइम का रिकवरी चाहिए होंगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा। सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी टमी जिसको हम बोलते हैं ना, मॉमी टमी जिसको बोलते हैं। सो पहली बात तो आपको ये प्रोसीजर सर्जरी के, अगर आपके जैसे सिजेरियन हुई है, वो साथ में नहीं हो सकते। एक बड़ा मिथ है कि हम साथ में, जैसे प्रेगनेंसी है डिलीवरी के बाद ही हम कर देंगे, नहीं। व्हाई? रीजन इज दैट कि बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, स्किन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, इट टेक्स अप टू एन ईयर, उसके बाद आप आराम से करवा सकते हैं। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली, एज आई सेड कि यू कैन गो फॉर टमी टक, हम सिजेरियन स्कार को भी इंक्लूड करके उसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी आई वुड से गैप ऑफ 1 ईयर, एंड देन एनीबडी हु इज मेडिकली फिट एंड एनीबडी हु इज कंसर्न विद कि भाई मेरे बॉडी में फैट एक्युमुलेट हो गया, लूज स्किन आ गई है, प्लस मसल लूज पड़ गई है, तो देन इट कैन बी डन इजीली फॉर देम। रिकवरी, आई थिंक द सेकेंड पार्ट यू आस्क्ड, रिकवरी है ना, रिकवरी। सो रिकवरी आई वुड से दैट इट रिक्वायर्स 2 डेज हॉस्पिटल स्टे, depending on the personal, generally it takes around 7 to 10 days to get back to your normal cycle. Okay. Initially, जैसे cesarean के बाद थोड़ा stoop करके चलते हैं, वैसे इसमें भी थोड़ा stoop करके चलना पड़ता है। Normal diet आप resume कर सकते हो 2-3 दिन में। Painkillers की most of the patients में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इतनी ज्यादा नहीं prescribe करते। 7-day course of antibiotics और कुछ multivitamins थोड़े time के लिए चलते हैं। Otherwise recovery is very good and the results are really rewarding in terms of the procedure. एंड ऐसे पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे जिनके मल्टीपल सर्जरी हुआ हो, ओपन सर्जरी, ऐसे पेशेंट के बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे? सो मल्टीपल सर्जरीज, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि मल्टीपल सर्जरीज में क्या होता है, कई बार आपके अंदर जो ऑर्गन्स के अराउंड चिपक जाती हैं लेयर्स, है ना। ऐसे पेशेंट्स के अंदर, वैसे भी टमी टक के उस पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हम प्लान कर रहे थे, या तो हम एक सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन में हमें पता लग जाता है कि साथ में कोई हर्निया तो नहीं है, अंडरलाइन जिसकी इतनी सर्जरीज हुई है उसमें हर्निया के चांसेस होते हैं, तो हर्निया का रिपेयर हम साथ में ही कर देते हैं। और कोई ऑर्गन तो नहीं चिपका हुआ या फिर और कोई इंटरवेंशन नहीं, तो हमारे पास मल्टी फैसिलिटी है कि भाई उसको कैसे डील कर रहे। एक इंटरवेंशन अगर हमें किसी और ब्रांच के इंसान की जरूरत है, जेनरल सर्जरी हो गए, वो सारी भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑपरेट इन अ सेटअप विच इज टोटली सेफ, एंड आप अपना उसमें मल्टी स्पेशलिटी एक अप्रोच रखते हैं ताकि पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट का कंसर्न, चाहे 10 बार ऑपरेट हो चुका है या पहली बार ऑपरेट हो चुका है, हमारा पेशेंट सेफ्टी और रिजल्ट पे दोनों का फोकस है। अच्छा, और लास्ट वन, ओके, जैसे कि अगर किसी पेशेंट ने बाईपास सर्जरी किया हो, हार्ट सर्जरी, एनी हार्ट प्रॉब्लम, तो ऐसे पेशेंट को वो कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्री एनेस्थेटिक चेकअप का, राइट? आपकी वो फिटनेस हमारे एनेस्थेटिस्ट चेक करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड यूज होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अगर आपकी सपोज करिए ब्लड थिनर्स चल रही हो, तो हम 7 से 10 दिन पहले एटलीस्ट बंद करते हैं, या फिर उसका हम देखते हैं कि उसके लिए बेस्ट चीज क्या हो सकती है, किस तरीके से आपके हार्ट के पैरामीटर्स मिल रहे मेंटेन और आपकी सर्जरी के लिए फिटनेस मिल रहे। प्लस अगर आपको सपोज करिए पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर की पूरी रीडिंग होती है कब है क्या है, उसको ओवर करना है सर्जरी के टाइम में, क्योंकि कई बार इंटरफेरेंस होती है जब लाइपोसक्शन करते हैं और सारी चीजें,
तो उसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होती है, हमारा कार्डियोलॉजी वाले इन्वॉल्व होते हैं, मेडिसिन वाले, प्री एनेस्थेटिक चेकअप. सो अगेन इट कम्स टू द फैक्ट दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दीज प्रोसीजर्स राइट, लुक फॉर अ सेटअप अलॉन्ग विद अ ट्रेन्ड सर्जन अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट आपकी वहां पे सेफ्टी क्या है, है ना. आई वुड से दैट आई वर्क इन अ सेटअप व्हिच हैज अ आईसीयू बैकअप आल्सो, है ना. I wouldn't want my patient to go to ICU, but one in a million, even if that person is one in a million or a billion, my patient is important to me. Okay. I'll have a backup and gaadi hai, gaadi hum achhi chalayenge and seat belt pehen ke chalayenge, hai na, within a safe limit. We won't drive rash because our patient's life is very important to us. Okay. So thank you so much, doctor. आपने हमारे जितने भी क्वेश्चन थे तो आपने उन सब का जवाब दिया. एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर होल टीम एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.